अच्छा पूरा चैनल अगर आप हाउडी मोदी का देखे होंगे तो रेंग रहा है पाकिस्तान, अब उठेगा पाकिस्तान, अब बैठेगा पाकिस्तान, दौड़ रहा है पाकिस्तान, सो रहा है पाकिस्तान, अब मोदी के हुंकार से थर थर कांपेगा पाकिस्तान। यार भाई साहब, पाकिस्तान को अगर दिखाना है, आपको हम बता दें, भारतीय चैनल जो है, भारतीय चैनल का जो इरादा हो चुका है, जो दृष्टि हो चुका है, जो भी चैनल बीजेपी वाले अगर रिएक्शन देंगे तो जूता जूता मार खाएंगे, नहीं खाएंगे। हमारा देश का प्रधानमंत्री जा करके अमेरिका, जहां हम लोगों को अमेरिका हम लोगों को गुलाम बनाने की नियत रखता हो, उसके यहां जा करके हमारा प्रधानमंत्री नारा लगा रहा है आपकी बात ट्रंप सरकार। हमारा ट्रंप से क्या मतलब है जी? हमारा अफगानिस्तान से क्या मतलब है? हमारा सऊदी अरब से क्या मतलब है? हमारा ऑस्ट्रेलिया से क्या मतलब है? हमारा प्रधानमंत्री जाएगा दूसरे के यहाँ प्रचारगिरी करने, प्रचार बॉय बनेगा, और राहुल जी बुलाएंगे, राहुल जी के भी पक्ष में आना चाहिए, ठीक है, आएगा चाइना तो कहेगा ना कि हम देश की जीडीपी को 15% ले जाएंगे, तो देश को विकास चाहिए, तो नरेंद्र मोदी विकास के पैदाइश हैं। नरेंद्र मोदी जी जो है कि विकास कर सकते हैं, उन्हीं के हाथ में जो है पूरा देवी देवता ताकत दिए हैं। अमेरिका में हौदी मोदी कर रहे हैं, हौदी मोदी करने से क्या होगा? आज जो कश्मीर की अवस्था देख रहा है, अमेरिका के 15 सांसद ने मोदी जी से गुहार लगाया है कि कश्मीर को मुक्त करे। हाउडी मोदी अमेरिका में क्या शब्द है ये तो हम हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं, लेकिन हम एक बात आपको बता दें, हमारे गांव गिराव में हमने अपने दादी अम्मा से पूछा कि ये हाउडी मतलब क्या होता है दादी अम्मा, तो उन्होंने कहा कि जो गांव के हमारे घरों का जो मलजल जहां गिरता है उसको हाउडी बोलते हैं। देखिए ये हम नहीं करें, ये पारिवारिक और संस्कार के लोग, नाद कहा जाता है। हाँ, उसे नाद कहा जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में जाने के बाद जिस तरीके का उनका भाषण था, जिस तरीके का उनका पूरा एक्शन था, वो एक्शन अमेरिका की दलाली और चापलूसी करते नजर आई है। मैं आपको बता दूं कि ये पहली दफा था कि भारत का कोई प्रधानमंत्री प्रचार बॉय बन करके अब की बार ट्रंप सरकार बोल गया। आपको बता दें, मनमोहन सिंह या उसके पहले के जितने भी प्रधानमंत्री थे, वो तिरंगा के सभ्यता और तिरंगा के ताकत को समझते हुए अन्य देशों को झुकाते थे और अपने बात पर, अपने विचारों पर उनसे सहमत कराते थे। हमने कहीं किसी का प्रचार करते हुए किसी प्रधानमंत्री, इंडियन प्रधानमंत्री को नहीं देखा। वो इंडियन मोदी का जो तस्वीर है, वो गरीबों को कलेजा चीर करके बाहर नोचने का और अमेरिका के दरवाजे पर बेचने का काम जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उससे मुझे नफरत। मैं ब्राह्मण व्यक्ति हूँ, बड़ा आत्मा रो रहा है आपके इस तानाशाही से। तानाशाह को खत्म करिए, अब पाकिस्तान की ओके बंद करिए, पहले देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो समस्या है, उसमें 1 लाख 1.5 लाख फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं भाई साहब। गुजरात से लेकर के हरिद्वार तक की जो फैक्ट्रियां थे, वहां लाखों लोग काम कर रहे थे, घर वापस आ रहे हैं। दीपावली में स्थिति क्या होगी? हम दिया जला पाएंगे? ट्रंप ने कहा था कि ये इंडिया फादर, उनको पिता की तुलना दी है महात्मा गांधी के बराबर। आपको लगता है कि एक बिना परिवार वाला व्यक्ति पिता की भूमिका निभा पाएगा? आप बताइए, हृदय से बताइए, आप भी कहीं ना कहीं बाप होंगे, मैं भी कहीं ना कहीं किसी का बाप हूँ। जो व्यक्ति अपने परिवार, अपने मर्यादा, अपने पत्नी, अपने माँ, अपने बाप की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया, देश में सत्ता में आने के बाद जो है देश की सत्ता में बैठ करके देश के सत्ता में देश के जनता का खून चूसने का काम कर रहा हो, जो व्यक्ति अपने दर्द को, हमारे दर्द को समझ ना पाता हो, तो वो व्यक्ति जो है गॉड फादर हो जाएगा। अरे महात्मा गांधी जी थे, राष्ट्रपिता हैं, आखिर मुंह पे तमाचा लगा कि नहीं नरेंद्र मोदी को, जब वहाँ सीनेटर लोग बोले कि मुझे गर्व है कि आप गांधी और नेहरू के देश से होके आते हैं, वे वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसका मुंह, नरेंद्र मोदी जी का मुंह उस समय काला हो गया था, मुंह एकदम छोटा हो गया था। ट्रंप, बताइए, अमेरिका का राष्ट्रपति डांटेगा हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि तुम मीडिया कैसे लाए हो? अमेरिका तय करेगा। इसका यह मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने देश को कहीं ना कहीं अमेरिका के हाथों बेच दिया है। ये राष्ट्रवाद के नाम पर हमें और आपको छलने का काम कर रहे हैं। हमारी और आपकी तस्वीर जो है ये हमको सिर्फ राष्ट्रवाद में पताएंगे और देश बिक चुका है, मुझे तो ये लग रहा है। इनके एजेंडे में भारत और किसान, नौजवान, मजदूर, किसान, बुनकर है ये नहीं है। इनको तो हिंदू और मुस्लिम करना है, इनको तो जो है फिर मुसलमान और हिंदू करना है, पाकिस्तान इमरान करना है। कहीं एजेंडे में आप देखिए, अच्छा राहुल गांधी विदेशी हो गए, जिसका बाप इस देश में चितड़े उधर आ गए वो विदेशी हो गया, और इनका कोई कर्म नहीं था। ये गुजरात में जैसे ही सत्ता संभाले, रक्त रंजित पूरी नदियां बह गई, और जय श्री राम के नारे का सहारा लेकर के, वंदे मातरम और तिरंगा का सहारा लेकर के, इन्होंने जिस तरीके से खूनी खेल खेला इस देश के अंदर, इस खूनी खेल का जवाब इस देश में यहाँ की जनता देगी।